भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं वार्ड क्रमांक 20 से बीजेपी प्रत्याशी पूजा अश्वनी शर्मा भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। इसके साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी वार्डों में जाकर बैठक कर रहे हैं, जहां प्रत्याशी जनता की समस्याएं सुन मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रत्याशी पूजा अश्वनी शर्मा को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं इन मुद्दों को लेकर उतरी हूं कि जो लोगों की समस्याएं मैं देख रही हूं 20 नंबर वार्ड में, लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं, मैं उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे गंदी नालियां, सड़कें, वो जो सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि अपने 20 नंबर वार्ड में जो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसको मैं सबसे पहले सुलझाना चाहूँगी। और लोगों में जो भी समस्याएँ हैं, और हमारे संजीव गुप्ता जी आदरणीय जो भी मेरे बड़े भाई साहब रहे थे, जो उनके अधूरे काम रह गए, मैं उन्हें भी पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। देखिए, निश्चित तौर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की ताकत ही ऊर्जा है। संघर्षों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ है, तो इसलिए चुनाव वो पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, हर्षोल्लास के साथ लड़ते हैं, उत्साह से लड़ते हैं, उमंग से लड़ते हैं। अब हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग हमारी चालू हो गई है। हम लोग बूथवार बैठ के कर रहे हैं, बूथ पर कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रभारी बनाना, उस पन्ने पर आने वाले मतदाताओं के साथ संपर्क करना, झंडा लगाना, हम लोगों ने कार्यक्रम लिया है कि कल हम पूरे वार्डवार मतदाताओं के पास जाकर हमारे कार्यकर्ताओं के घर पर झंडा लगाएंगे। इसके बाद वार्डवार हमारे जो पन्ना प्रभारी हैं उनकी बैठे होंगी 1 तारीख से, 2 तारीख को फिर वो जनता के बीच में जाएंगे, 3 तारीख को हम माँ जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं जिसमें पर्ची वितरण का कार्यक्रम करेंगे, पर्ची देने के माध्यम से भी वो जनता के बीच में जाएंगे। और कुल मिला के एक बहुत सकारात्मक वातावरण मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान जी की नीतियों की बात करें, प्रधानमंत्री जी की नीतियों की बात करें, और भाजपा का जो संगठन तंत्र है उसकी ताकत के आधार पर पूरे भोपाल में नहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से विजयी होगी और सारी 16 नगर निगम। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वार्ड क्रमांक 56 से बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिंह भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। प्रत्याशी जनता की समस्याएं सुन मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिंह को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। चूंकि इतना बड़ा निशान है कमल का फूल, जो कि सेंट्रल से लेके राज्य से स्टेट से लेके सब पार्षद प्रत्याशी के पद तक सब भारतीय जनता फूल का कमल खिल रहा है हर जगह, इसलिए ये समर्थन देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड के लिए सबसे पहले जितनी भी जो भी जन समस्याएं हैं उसको सुधारा जाएगा, जैसे बिजली, पानी, डेली नेसेसिटीज़ की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करी जाएगी, और जो भी स्टेट की, राज्य की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी गाइडलाइन होगी माननीय।